हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अंबिका। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले सिर्फ ऐसे एक लक्षण के बारे में जो कि आपको सातवें महीने में देखने को मिलेगा अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं हमारे उन लक्षणों के बारे में। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में इतने सारे हार्मोनल चेंजेस हो जाता है। लड़का और लड़की होने पर आपको अलग अलग सिम्टम अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन लड़का होने पर कुछ ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लड़का कंसीव करने पर ही दिखाई देता है, और वहीं पे लड़की होने पर लड़की वाली सिम्टम आपको देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे एक सिम्टम के बारे में जो कि सातवें महीने और साढ़े छः महीने के बीच में, यानी कि छः सातवें महीने के बीच में आपको देखने को मिलेगा अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के सातवें महीने में अगर आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है, दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात बोलूँगी कि आप एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिएगा अगर आपके साथ ये सब कुछ होता है। और दूसरा, अगर ये सिम्टम आपको देखने को मिल रहा है तो आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है, क्योंकि दोस्तों लड़का कंसीव करने से अक्सर आपके साथ ये सिम्टम देखने को मिलता है। यानी कि 100 में से 70 से 80% महिलाओं में ये सिम्टम देखने को मिलता ही है अगर उन्होंने लड़का कंसीव किया है तो। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।